तो हेलो दोस्तों, आज हम फिर से आगे टिकटॉक के एक वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर, जैसा कि ये वीडियो देख सकते हैं, धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले, ये वीडियो टिकटॉक पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। तो मैं आज आपको इसी वीडियो का ट्यूटोरियल देने वाला हूँ, इस टाइप की वीडियो आप कैसे बना सकते हैं। तो आपको इस टाइप के वीडियो बनाने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको वीडियो को 3 पार्ट में शूट कर लेना है। तो मैं आपको वीडियो को शूट करके भी दिखाऊंगा और एडिट करके भी दिखाऊंगा। तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, काइन मास्टर, वहां से आपको काइन मास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए, मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको जेन्युइन कंटेंट मिलता है। तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से काइन मास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। मीडिया पे आना है, आपने जो वीडियो शूट कर रखे हैं नॉर्मल मोबाइल फ़ोन से उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर वीडियो को सेलेक्ट कर लिया, तो मैंने वीडियो को एक साथ ही शूट कर लिया हूँ। तो आप चाहे तो वीडियो को एक साथ ही शूट कर सकते हैं या फिर वीडियो को अलग अलग पार्ट में भी शूट कर सकते हैं। तो सबसे पहले वीडियो के स्टार्टिंग पॉइंट पे आते हैं, लेयर पे आते हैं, मीडिया पे आते हैं। मैंने एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दे रखे हैं, उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद कैची के निशान पे क्लिक करेंगे, स्ट्रैक ऑडियो कर देंगे। इसमें जो आपको ओरिजिनल साउंड है वो साउंड आपको बाहर निकल जाएगा। वीडियो को हमारा कोई काम नहीं है तो वीडियो को हम डिलीट कर देंगे। तो पहले हम इसको साइड में एडजस्ट कर देते हैं। इसके बाद ओरिजिनल वीडियो जो है, इस वीडियो में एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट को आपको रिमूव करना है। तो वीडियो में सबसे पहले आपको वीडियो को ओरिजिनल साउंड को म्यूट कर देना है। साउंड करने के बाद वीडियो को आपको प्ले कर देख लेना है। तो आप देख सकते हैं वीडियो हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, कैचिंग निशान पे क्लिक करेंगे और ट्रिम टूल लेफ्ट कर देंगे, तो वीडियो हमारा ऐसे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से मैं रोटेट हो रहा। रोटेट होने के बाद हम सर नीचे की तरफ करते हैं, ठीक है। और इसके बाद जैसे हम कि इसको ऊपर की तरफ फेंकते हो, सिर्फ इतना ही तक का हमें सीन चाहिए, ठीक है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैचिंग निशान पर क्लिक करेंगे और स्पीड टू प्ले हिट कर देंगे। फिर से हम वीडियो को आगे तरफ लेकर आएंगे। इसके बाद इसको हम चेंज कर लेते हैं, आपको भी इसे चेंज कर लेना है। तो फर्स्ट पार्ट का वीडियो हमारा कुछ इस तरह से शूट किया गया था, आपको भी शूट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद वीडियो को आई तरफ लेकर आ जाना है। सेकेंड पार्ट में वीडियो मैंने कुछ इस तरह से शूट किया, तो वही शॉट जो था रेड कलर का मैंने हाथ में ले लिया हो, इसको मैं ऊपर की तरफ फेंक देता हूँ, ठीक है। तो आपको भी इस तरह से फेंक देना है। तो आपको करना क्या, कहाँ तक का सीन चाहिए, जैसे कि फर्स्ट वाले वीडियो में हमको जैसे गिर रहा था नीचे की तरफ, तो वही सीन चाहिए। तो यहाँ से आपको सीन लेना है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैचिंग निशान पर क्लिक करेंगे और ट्रिम टूल लेफ्ट कर देंगे। तो फर्स्ट पार्ट कुछ इस तरह से मिल जाएगा, और सेकेंड पार्ट आपको जैसे कि ऊपर की तरफ भेजते हैं तो ये स्लो मोशन में चाहिए आपको। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैचिंग निशान पर क्लिक करेंगे, स्पीड टू प्ले हिट कर देंगे। वीडियो पर क्लिक करेंगे, स्पीड कंट्रोल पर आएंगे, यहाँ पर आपको 0.5 पे कर देना है। ये वीडियो आपको स्लो मोशन में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं फर्स्ट वाले वीडियो में इसी तरह से सेम, ठीक है। जैसे कि देखो, अब यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे कि अभी स्लो मोशन में दिखा रहा है, आपको भी स्लो मोशन में कर देना है। तो मैंने भी यहाँ पे स्लो मोशन में कर दिया हूँ, ठीक है। इसके बाद जैसे कि आप देख सकते हैं, इसने फ्लैप किया है तो आपको पाउडर दिख रहा है, ठीक है। तो आपको मैंने भी यहाँ पे फ्लैप किया था, तो आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। तो वीडियो को आगे तरफ लेकर आएंगे। जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से हमारा वीडियो स्टार्ट हो रहा है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैचिंग निशान पर क्लिक करेंगे, ट्रिम टू लेफ्ट कर देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ से मैंने फ्लैप किया, सिर्फ हमें क्या करना है, जैसे हम हाथ टच करते हैं यहीं तक का सीन चाहिए, ठीक है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैचिंग निशान पर क्लिक करेंगे, ट्रिम टू लेफ्ट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ से देख सकते हैं, अब यहाँ से मैं फ्लैप कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ आपको फ्लैप करना है, सिर्फ यहीं तक का सीन आपको चाहिए। इस पोजिशन में पूरा टच नहीं करना है, इस पोजिशन में आना है, वीडियो क्लियर पर क्लिक करना है, कैचिंग निशान पर क्लिक करना है, स्पीड टू प्ले हिट कर देना है। वीडियो को आगे तरफ लेकर आएंगे, ठीक है। फिर से हमें थर्ड कपड़े में पहन लिया हूँ, ठीक है। इसके बाद हाथ में कुछ थोड़ा सा पाउडर या फिर आटा ले लेना है कुछ इस तरह से। इसके बाद मैंने, तो आप देख सकते हैं, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे आटा रख लिया, तो इस तरह से आपको ले लेना, ज़्यादा नहीं रखना है, ठीक है। आप देख सकते हैं जैसे कि मैं फ्लैप करता हूँ, सिर्फ यहीं सीन चाहिए, क्योंकि मैं वाला सीन जो था यहीं तक का, मैंने इस पोजिशन में ही मैंने ट्रिम टू लेफ्ट किया था। इस पोजिशन में आपको आना है, वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैचिंग निशान पर क्लिक करेंगे और ट्रिम टू लेफ्ट कर देंगे। वीडियो आपका कुछ इस तरह से देखने को आपको मिल जाते हैं, ठीक है। इसके बाद वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैचिंग निशान पर क्लिक करेंगे, ट्रिम टू राइट कर देंगे। हमारा वीडियो तो यहाँ तो शूट हो गया, लेकिन वीडियो में पार्ट जो यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा है, सिंपल। इसके बाद वीडियो को पहले हम डिलीट करते हैं।
इसके बाद हम एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट करेंगे कुछ पार्ट को इसमें, क्योंकि हमारा साउंड यहाँ पे मैच करना है। हम इस पार्ट के कुछ डिलीट कर देते हैं, इस पे भी क्लिक करेंगे, इस पे भी क्लिक करेंगे और ट्रिम टू राइट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा साउंड बिल्कुल मैच हो चुका है, हमारा वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है। तो पाउडर वाला सीन का हमें ना स्लो मो करना है, तो स्पीड टू कंट्रोल करेंगे, वीडियो पे क्लिक करेंगे, इसे हमें स्लो मो कर देना है, 0.5 कर देता हूँ, तो ये वीडियो हमारा स्लो मो देखने को मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, इसमें कुछ भी पार्ट एक्स्ट्रा दिख रहा है ठीक है, तो मैं एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट करते समय हमें सिर्फ टच करने का सीन चाहिए, यहीं तक का पार्ट चाहिए। वीडियो कलर पर क्लिक करेंगे, कैचिंग निशान पर क्लिक करेंगे, ट्रिम टू राइट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा साउंड मैच हो चुका है। तो मैं आपको एक बार ओरिजिनल साउंड का म्यूट कर देता हूँ, तो मैं एक बार प्ले करके दिखाता हूँ। तो जैसे कि देख सकते हैं फर्स्ट वाला पार्ट हमारा कुछ इस तरह से शूट किया गया, और यहाँ पे मैंने पीछे की तरफ हुआ, और इसे हम जो शॉट है शॉट को मैं ऊपर की तरफ निकालता हूँ। तो आप देख सकते हैं ऐसे नीचे की तरफ आ गया, और इसके बाद जैसे कि मैं यहाँ पर फ्लैप करता हूँ, फ्लैप करते हैं यहाँ से आपको पाउडर गिर गया, तो यहाँ पर आपको स्लो मो मैंने कर दिया। तो आप यहाँ पर वीडियो देख सकते हैं बिल्कुल आसानी से, मैं इस तरह के वीडियो बना दिया हूँ। तो इस तरह आप इसके बाद क्या करना है, सेटिंग पे क्लिक करना है, और इसके बाद यहाँ पे ऑडियो फेड आउट को ऑफ कर देना है, शेयर पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको एच डी 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक वीडियो का लिंक दे दूंगा, उसी वीडियो को साउंड पे आपको इस वीडियो को अपलोड कर देना है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए थे तो लाइक करना, साथ ही साथ टेक्निकल सैलेंज चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। यदि आपको किसी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पे वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं।